झज्जर अग्निपथ योजना को लेकर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने दिया बयान। सरकार ने वापस नहीं लिया अग्निपथ योजना तो जारी रहेगा कांग्रेस का सत्याग्रह आंदोलन। कहा, इस योजना से न देश न सेना को और न युवाओं को कोई लाभ। सेना को किसी हालत में कमजोर नहीं होने देगी कांग्रेस। बोले, देश के साथ हरियाणा, खासकर दक्षिण हरियाणा को इस योजना से भारी नुकसान। पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल, झज्जर विधायक और पूर्व स्पीकर रघुवीर कादियान पेरी विधायक ने अग्निपथ योजना को बताया देशद्रोही पॉलिसी। कहा, पहले किसान ने तोड़ा मोदी का अहंकार, अब तोड़ेंगे नौजवान। फैसला नहीं बदला तो 2024 में जनता बदल देगी सरकार। किसी भी तरह सेना के हित में नहीं अग्निपथ योजना। इस योजना में नहीं है युवाओं का भविष्य। सुरक्षित आज सेना की वजह से ही बरकरार है देश की अखंडता। वन रैंक वन पेंशन के बजाय नो रैंक नो पेंशन स्कीम चला रही है सरकार। बोले, पूंजीपतियों के इशारे पर किया जा रहा है काम। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के चौकीदार की पोस्ट देने वाले बयान का भी किया विरोध। कहा, कृषि बिल की तरह अग्निपथ योजना को भी लेना होगा वापस। झज्जर में आयोजित कांग्रेस के सत्याग्रह आंदोलन में शिरकत करने पहुंचे थे दीपेंद्र हुड्डा। प्राथमिकता दी जाती है लेकिन कितनों को मिली, उनको तो मिल नहीं पा रही। अब आप उनसे तीन गुना संख्या में अग्निवीर आ जाएंगे केवल 4 साल में, आप किस आधार पर कह रहे हैं? और मजाक सबसे बड़ा ये इसलिए लग रहा है कि जो प्रदेश देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी रेट हो, जिसमें आप अग्निवीर छोड़िए, जिसमें आम नौजवान को नौकरी नहीं मिल पा रही, इस प्रदेश में देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा प्रदेश, ऐसे प्रदेश के मुखिया जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, हरियाणा की बेरोजगारी की स्थिति के लिए कोई जिम्मेदार है तो भाजपा की सरकार और मुख्यमंत्री ही जिम्मेदार हैं। वो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि एक और जुमला छोड़ रहे हैं, हम इनको भी दे दें, ये मैं समझता हूँ। कितनों को दिया आपने, क्या स्थिति आप समझें। और मैंने एक और चीज़ बताई जो एक और बात मैं महत्वपूर्ण थी कि ये ऑल इंडिया का इसमें कंडीशन लगा दी गई है। आपने देखा ऑल इंडिया का क्या अर्थ है? परंपरागत जिन इलाकों से भर्ती ज़्यादा होती है, जैसे हरियाणा में से भर्ती होती है, हरियाणा में कई हमारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, झज्जर है, रेवाड़ी है, महेंद्रगढ़ है, दादरी है, भिवानी है, बहुत से डिस्ट्रिक्ट है, रोहतक है, गुड़गांव है, ये इन डिस्ट्रिक्ट से बहुत भर्ती होती है, पूरे हरियाणा से भी होती है, हर 10वां शहरी घूमने में। यहाँ स्वाभाविक रूप से ऑल इंडिया की अगर आप समकक्ष करके भर्ती करने की प्रक्रिया चलेगी तो भर्ती कम हो जाएगी। और उसका जो मैं सरकार से जवाब मांगना चाहता हूँ कि अभी जो आई है, जो इस विशेषज्ञों ने आकलन करके बताया, जो भर्ती शुरू हो रही है, हर साल हरियाणा से 5,000 की भर्ती होती है पक्की भर्ती। अब वो 5,000 की पक्की भर्ती घटके 963 अग्निवीर लिए जाएंगे इस साल, क्योंकि ओवरऑल भी भर्ती घटा दी इन्होंने, 60-80 हज़ार भर्ती जहाँ होती थी 45,000 से 50,000 अग्निवीर लेंगे, और हरियाणा का रेशो और कम हो गया 963, 5,000 पक्की भर्ती की जगह 963 अग्निवीर, जिसमें से 4 साल के बाद 240। तो 5,000 पक्की नौकरी फौज में, फौजी बन के देश के लिए कुर्बानी देने की नौकरी की आवश्यकता है प्रदेश को, या 240 और बाकी लोग कोई कह रहा है बीजेपी के दफ्तर में लगाएंगे, कोई कहाँ कह रहा है। तो ये एक बड़ा धोखा हो गया इस इलाके के साथ, हरियाणा के साथ, और ख़ास तौर पे इसीलिए हमें दुख है इस बात का जो मैंने कहा कि जब प्रधानमंत्री जी ने वन रैंक वन पेंशन का नारा रेवाड़ी में ही दिया था, हरियाणा में दिया था, और उसी हरियाणा के साथ ऐसा क्या सलूक किया कि हमारी 5,000 की भर्ती घटाकर और 963 वो भी अग्निवीर और 240 पक्की। सर सेंटर ये कहना कि 4 गुना नफरी बढ़ा रही अग्निवीर, ये आपकी जानकारी नहीं है, आप थोड़ा जानकारी लें, जानकारी ये गलत है आपकी जानकारी। 45 से 50 हज़ार अग्निवीर, सेंटर ने ये नहीं कहा कि कुछ नफरी बढ़ा रहे हैं, बल्कि अगर ये नफरी चाहिए इसी रूप में अगर ये चलता रहा तो आकलन ये है जो आज फौज हमारी 16 लाख पे है, वो फौज घटकर अगले 10 वर्षों के अंदर वो फौज घटकर 6 और 7 लाख पे आ जाएगी। चाइना पाकिस्तान का मोरल अप होगा इस देश के, आप दुश्मनों से जो देश घिरा हो ऐसा पड़ोस है, और देश दुनिया की सर्वश्रेष्ठ फौज जहाँ हो, आपने उस फौज की नींव क्यों हिलाई देश से जानना चाहता। किसी प्रदेश ने देख लिया कि सभी ताकतें एक हो गई, कांग्रेस पार्टी के हुड्डा साहब के उम्मीदवार को रोकने के लिए सारी ताकतें एक हो गई, भारतीय जनता पार्टी हो या जेजेपी हो,
खट्टर साहब हों या दुष्यंत चौटाला हों, अभय सिंह चौटाला हों या अजय सिंह चौटाला हों, और कुछ एक अदर कांग्रेस पार्टी के अंदर भी सबको पता है, सबको पता है, सबका पता है, तो सारी ताकतें एक हो गई है। प्रदेश के लोग एक बात कह रहे हैं, जो सत्ता बल और धनबल की सांधी में अगर बेईमान एक हो सकते हैं तो सारे ईमानदार भी एक हो सकते हैं, और ईमानदार एक होकर लड़ेंगे आने वाले समय में।